हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेरी इन ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे CCC, DCA, ADCA, ओ लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उनके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की एक कैसी क्लास है, आज आपको वर्ड पैड में होम मेन्यू और व्यू मेन्यू के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा वर्ड पैड जो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। आज हम जानते हैं वर्ड पैड के अंदर कि किस तरीके से हम काम करते हैं, क्या होता है इसमें। सबसे होम मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो होता है हमारा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में जो कट, कॉपी और पेस्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हमने आपको पेंट में ही बता रखा था, तो सेम मतलब यहाँ पे भी अप्लाई होगा। मैं एक बार फिर से रिविजन कर देता हूँ कि कट, कॉपी और पेस्ट का क्या मतलब होता है। बाय द वे, अगर हमने कोई टेस्ट लिख रखा है और हम चाहते हैं इस जो ड्रीम लिखा हुआ है या ये जो पूरा टेस्ट लिखा हुआ है, ये टेस्ट हम बार बार रिपीट कर पाए, तो हम जैसे टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने दोनों ऑप्शन विजिबल हो जाते हैं, कॉपी और कट वाले। अब इन दोनों में क्या क्या मतलब होता है? कॉपी का मतलब होता है कि अगर आप इसको यहाँ भी रहने देना चाहते हैं और इसके साथ ही अलग जगह बार 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 इसको डिवीजन करना चाहते हैं तो ये इसके लिए होता है। आप कॉपी करके इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको आप जितनी बार भी चाहे उतनी बार इस पेस्ट बटन की सहायता से हम जगह जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात अगली अगली बात क्या है, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे कुछ हम क्लिक करते हैं आता है हमारा कट। कट का मतलब क्या होता है, वो उस लेटर या टेक्स्ट या जो भी चीज होती है वो काट वहां से हटा भी देता है और साथ में क्या करता है, कॉपी भी कर देता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ करता है, कट का यूज यही होता है। देखिए, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ का जो भी दिखाई दे रहा है ये कट हो जाएगा और कट होने के साथ ही ये कॉपी कॉपी भी हो जाएगा। करके देखते हैं, जैसे हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से हट भी जाएगा और हटने के साथ ही कॉपी भी हो गया। हम जैसे पेस्ट करेंगे तो हमने जिस चीज को कट किया था उस चीज वो ही हमारा बार बार पेस्ट करेगा। तो ध्यान रहे, कट का मतलब ये होता है कि कॉपी किसी भी चीज को अगर वहां से हटा भी देना है साथ में कॉपी भी कर देना है तो उसको हम कट कर लेते हैं। और दूसरी चीज कॉपी, कॉपी का मतलब वो चीज वहां बनी रहे और उसके साथ ही कॉपी भी हो जाए तो उसको हम कॉपी कहते हैं। पेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को कट किए हैं या कॉपी किए हैं तो उसको आप जहां भी चाहे वहां आप पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट। अब देखते हैं फॉन्ट में क्या होता है। यहाँ पे जो होता है, जो हमारे जो नोट पैड के अंदर एक जब हम जा रहे थे, जब फॉर्मेट में जा रहे थे तो वहां एक फॉन्ट करके आ रहा था, वही फॉन्ट यहाँ पे विजिबल है, यही फॉन्ट यहाँ पे बिल्कुल सामने दिया हुआ है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसका यहाँ से हम फॉन्ट बदल सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट में हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं नंबर के अनुसार, और यहाँ पे हम फॉन्ट का साइज कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पे अपने देख के जितना आपको जरूरत हो उतना आप फॉन्ट की साइज को रहने दीजिएगा। अब इन दोनों में एक अंतर और भी होता है जो बाकी लोगों को नहीं पता होता है, ध्यान दीजिए। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतर जो मैं बताने वाला हूँ आपको, देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर टेस्ट लिखा हुआ है और इन टेस्टों को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करके अगर हम चाहते हैं कि इनको एक सीध में बड़ा छोटा किया जाए तो ये क्या होगा, सारे टेस्ट पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए इसमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो छोटे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए ये टेस्ट बहुत बड़ा है ये टेस्ट छोटा है, तो क्या होता है यहाँ पे बड़ा छोटा करने का मतलब ये होता है कि हम जैसे इसको सेलेक्ट करके जैसे बड़ा छोटा करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये सबको एक समान कर देगा, दोनों को क्या करेगा ये एक समान कर देगा। देखिए ये इसके एक समान ही हो गया है। अगर हम चाहते हैं इसी के बाद, अगर कुछ चीजें अगर हमारी छोटी है, मान लीजिए यहाँ पे ये टेस्ट बड़ा है और ये टेस्ट हमारा साइज जो है छोटा है, तो अब जानते हैं इन दोनों को अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं और इनके बीच जितना डिफरेंट है उतना डिफरेंट बना रहे तो उसके लिए आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये उससे उतना ही बड़ा रहेगा, उससे भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा, ये उससे उतना ही छोटा रहेगा और उतना ही छोटा होता जाएगा। ध्यान रहे, ये हमेशा जब भी बड़ा छोटा की बात होगी तो ये इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस पहले से बना था उतना डिफरेंस हमेशा बना ही रहेगा। तो इन दोनों बड़े छोटे करने का मतलब यही होता है। और ये यहाँ पे जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जब इसके थ्रू जैसे बड़ा छोटा करेंगे तो सारे टेस्ट हमारे एक समान हो जाएंगे। अगला है बोल्ड। जैसे हम किसी टेस्ट को मोटा करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो शब्द हमारा मोटा हो जाता है। अगर किसी किसी टेक्स्ट को हम चाहते हैं इटैलिक मोड में हो जाए तो इसके इटैलिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट इटैलिक मोड में हो जाएगा। अगर किसी टेक्स्ट के नीचे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अंडरलाइन से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और यदि हम किसी टेक्स्ट को बीच से काटना चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिए, अब इसका प्रयोग होता क्या है। बाय द वे, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है जो पहले 100 रुपए का था और अब वो बाय द वे वो 90 रुपए का हो गया है, तो आप ध्यान से कभी एडवर्टाइज में देखते होंगे कि उसको पहले ऐसे करके बीच से उसको ये काट देता है, तो ये
उसके प्रयोग में आता है। अगर आपको कुछ लिख के काटना है तो आप उसको इस तरीके से काट सकते हैं। अगला यहाँ पे है, अगला यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं? बाय द वे आपको फार्मूला लिखना है H2O, तो क्या होगा, आप एस लिखते हो, फिर टू लिखते हो और फिर ओ लिखते हो, ठीक है। तो ये H2O, ये इसका सही फार्मूला लिखने का तरीका नहीं है। तो क्या करेगा, टू को नीचे लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम वहां पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे टू लिख देंगे। तो क्या हुआ, देखिए ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर लिया, टू जहां होना चाहिए हमने उसको वहां लिख दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही हम जानते हैं, जैसे हमको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने का सही मतलब जो वे नहीं है। तो सही वे किससे लिखते हैं, हम ए पर क्लिक करते हैं, साथ में सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, उसका स्क्वायर लिख देंगे, इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस बी, और इसके बाद जब हमको स्क्वायर लिखना होगा तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका प्रयोग होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम करते हैं इस तरीके से लिखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका प्रयोग क्या होता है। यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारे जो लिखे हुए हैं, इनके कलर को बदलने के लिए यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट कलर है, ध्यान रहे हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर बदल जाता है। तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। इसके साथ ही ये दूसरा क्या है, इसका देख लेते हैं ये क्या होता है। इसके बैकग्राउंड में जो कलर अप्लाई, अगर आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं ये क्या होता है, ये टेक्स्ट हाईलाइटर है। अगर आप इसके पीछे कोई अगर पट्टी लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जिस कलर का हाईलाइटर यूज करना चाहते हैं उस कलर का आप हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर इस हाईलाइटर को लगाना पड़ेगा। अगर आपको हाईलाइटर नहीं लगाना है तो नीचे नो कलर का ऑप्शन है, आप वहां से नो कलर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है, देखते हैं ये ऑप्शन जो है हमारा है इंडेंट का है, और पैराग्राफ में आते हैं, पैराग्राफ में पहला इंडेंट है। और इंडेंट में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम किसी टेक्स्ट की जो ये रूलर है, जो यहाँ पे जो रूलर दिखाई दे रहा है, ये जो रूलर दिखाई दे रहा है, इस रूलर को हम आगे पीछे खिसकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है बुलेट्स है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं, पॉइंट कर करके लिख रहे हैं, हम लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले बुलेट्स का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इंटर करके हम दूसरी बात लिखना चाहते हैं, वैसे हम दूसरी बात लिख सकते हैं। जैसे इंटर करते जाएंगे बुलेट्स हमारे आते जाएंगे। अगला क्या है, अगला ये है लाइन स्पेसिंग है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए ये दो लाइनों के बीच में जो दूरी बनी हुई है, इन दूरी को कम और ज्यादा करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग क्लिक किया, हम एक करेंगे तो कम हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारा लाइन स्पेसिंग का यूज करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है, सेंटर है। अभी क्या है, अलाइन सेट करने का बात कर रहा है, अलाइन किस तरीके से सेट करते हैं इसे ध्यान रखिएगा। देखिए किसी पेज में आप अगर इधर लेफ्ट से लिखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी पेज पे मिडिल से लिखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। किसी टेस्ट पे आप मिडिल से लिखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्या होगा, आप कोई भी टेस्ट हमेशा मिडिल से लिखेंगे, आपका कर्सर हमेशा स्टार्ट मिडिल से होगा, ठीक है। ये खासा कर दोहे लिखना होता है, कविताएं लिखनी होती है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बाय द वे आप उर्दू लिखने वाले हैं तो आप इस अलाइन को प्रयोग करिए। इस लाइन में क्या होता है कि आप सीधे यहाँ से जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका ये उर्दू की तरह उल्टा लिखना यहाँ से स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये क्या है, अगर पेज के आप अंतिम छोर से लिखना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, अगर आप ये चाहते हैं पेज हमारा पूरा यहाँ से लेकर वहां तक भरा रहे, बीच में कोई भी ऑप्शन न छूटे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। आपका क्या करेगा कि ये पूरा पूरा लाइनिंग पूरा अच्छे से भर देगा, एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा जो होता है कैरेक्टर आ जाएंगे, और इसके साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पैराग्राफ, इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को विजुअल करने के लिए कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करने के लिए क्या करता है, हमारा ये पैराग्राफ सेट कर देता है, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ सेट कर देगा। उसके बाद क्या है, पैराग्राफ हमारा बदल के लिखना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट में देखते हैं क्या होता है। इंसर्ट में अगर हम किसी पिक्चर को इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वर्डपैड में, तो यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करते हैं और हम जिस भी पिक्चर को इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं उस पिक्चर को हम क्लिक करके यहाँ पे अच्छे से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पास जो भी पिक्चर है हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट पे पिक्चर में जाने पर हम यहाँ से उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगर इस पिक्चर को बदलना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए, इसे आप यहाँ पे दूसरा पिक्चर ले सकते हैं। अगर इस पिक्चर की साइज को बदलना चाहते हैं तो यहाँ से रिसाइज पर क्लिक करिए, उस पिक्चर की साइज को आप बदल सकते हैं। अगला है पेंट ड्राइंग, अब देखते हैं ये किस प्रयोग में आता है। पेंट ड्राइंग पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक पेंट खुल के आता है। इस पेंट में अगर हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं, बाय द वे हम कुछ भी अगर ड्राइंग बनाते हैं अपने पेंट में, तो पेंट में ड्राइंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेंट पे बना हुआ, जो आप पेंट पे बना के अभी लाए रहेंगे, वो इसमें आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला है इस डेट एंड टाइम का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं तो पहले हमसे पूछता है कि आपको किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम चाहिए, और फिर उसके बाद आप जिस फॉर्मेट में क्लिक करते हैं वहां पे यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम हमारा आ गया। इस डेट एंड टाइम में अगर हमको जिस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को लिखना होगा, हम उस पर इसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे ओके करेंगे, ये क्या करेगा, हमारा डेट एंड टाइम को यहाँ पे
प्रिंट कर देगा, मतलब लिख देगा टेस्ट के रूप में। आगे चलते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अगर आप उसमें से किसी एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा टुकड़ा लेके इस किसी एक सॉफ्टवेयर को अगर छोटा सा यूज करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको इसी के अंदर हम क्या करके अब इसी के अंदर आपको एक एक्सेल का वर्कशीट लेके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लेना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ओके कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर आप जो भी चीज करना चाहेंगे एक्सेल के अंदर आप कर लीजिएगा। करने के बाद आप जैसे इसके यहाँ से कट करेंगे वो चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। आप जितने रो और जितने कॉलम और जितने सेल का यूज किए रहेंगे उतना सेल हमारे यहाँ पे आ सकता है। ध्यान रहे, इसको हम जैसे डबल क्लिक करके अपडेट करने जाएंगे फिर से एक्सेल में आ जाएगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जोड़ने घटाने या जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं आप टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर का छोटा टुकड़ा यहाँ पे रख के अपना काम कर सकते हैं। अगला है फाइंड। अब देखते हैं यहाँ पे फाइंड का यूज क्या होता है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फाइंड पर क्लिक करते हैं और ये पूछ रहा है फाइंड वर्ड। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टेक की स्पेलिंग जो गलत लिखी है आप इसको खोज के दिखाइए, तो कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, जगह जगह जैसे फाइंड नहीं करता जाऊंगा, ये टेक की स्पेलिंग जहां भी गलत लिखी है इसको ये क्या करेगा, फाइंड करके दिखाता जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है, बाय द वे जो टेक की स्पेलिंग गलत लिखी है, अगर हम चाहते हैं कि यहीं पे एक जो टेक की स्पेलिंग गलत है तो वहां पे हम चाहते हैं कि टेक की स्पेलिंग सही हो जाए, इसका मतलब ये होता है, देखिए ध्यान से, फाइंड वर्ड मतलब क्या चीज खोजना है और रिप्लेस विद मतलब वहां पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको किस टेक्स्ट से बदलना है। तो हमने कह दिया कि फाइंड वर्ड मतलब आप इसको खोजिए जो टेक की स्पेलिंग गलत लिखी है, और रिप्लेस विद अगर आपको किसके साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक की स्पेलिंग सही लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे टेक की स्पेलिंग सही लिख दिया। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट अगर करेंगे, अगर जहां पे उनको रिप्लेस करना है एक एक करके रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस करेगा। हम चाहते हैं एक ही बार में सारा टेक की स्पेलिंग सही हो जाए, यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और एक ही बार में यहाँ पे सारे टेस्ट की जो होती स्पेलिंग जो होती है टेक की स्पेलिंग वो सही कर देगा, एक ही बार में सारे टेस्ट की स्पेलिंग सही कर देगा। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पे सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल करने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल है इसके लिए क्या करता है, माउस का हम लेफ्ट क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम यहाँ से शिफ्ट बटन दबा के एरो की के साथ ही यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल एक ही बार में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पूरा टेक्स्ट जो लिखा होगा या पूरा इमेज जो भी चीज होगी वो चीज पूरी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला है यहाँ से व्यू। व्यू में क्या आता है, व्यू में आता है जूम इन जूम आउट और 100%। ध्यान रखिएगा जो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है यही चीजें हमारी प्रिंट में भी दिखाई दे रही थी व्यू में, लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं थोड़ी सी वो डिफरेंट टाइप की। अब देखते हैं कैसे काम करते हैं। सर जूम इन का मतलब होता है आप इस टेक्स्ट को जूम इन करना चाहते हैं, जैसे जूम इन कर सकते हैं, ये डिटेल यहाँ पे दिखाई भी देगा, हम यहाँ जैसे भी जूम इन करेंगे ये दिखाई देगा कि किस तरीके से हम टेस्ट को जूम कर रहे हैं। जूम आउट करना है तो आप यहाँ से टेस्ट को जूम आउट करना चाहते हैं, बाय द वे आप अगर चाहते हैं कि हमारा पेज एक ही बार में 100% हो जाए, यहाँ पे देखिए 170% है, मैं जैसे ही 100% पे क्लिक करूंगा यहाँ जो 170% 100% हो जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, डिफॉल्ट मोड में 100% पे ले लेगा। अगला है यहाँ पे व्यू में जो होता है शो एंड हाइड होता है रूलर। रूलर में क्या होता है, जो यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इस नंबर्स को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। जैसे रूलर पर सही का ट्रिक में हटाऊंगा ये चीज हाइड हो जाएंगी, इसे क्लिक करूंगा आ जाएंगी। स्टेटस बार का मतलब क्या होता है, जिसके नीचे आपको ये जूम इन जूम आउट बटन दिखाई दे रही है इसी को स्टेटस बार कहते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से वो हाइड हो जाएगा, जैसे इसे क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगा। अगला है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब हम आपको बताए थे, अगर मान लीजिए बाय द वे अगर हमने वर्ड रैप को सेलेक्ट कर लिया, वर्ड रैप को सेलेक्ट करने के बाद हम जितना चीजें लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे टेस्ट लिख रहे होते हैं, जब हम कोई भी टेस्ट यहाँ पे लिख रहे होते हैं, तो जैसे ही वो टेस्ट लिखते लिखते जैसे ही हम पहुंच जाते हैं अपने इस कॉर्नर के पास, तो क्या करता है ऑटोमेटिक वो लाइन क्या करता है बदल लेता है। ध्यान रहे, जैसे वर्ड रैप का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई टेस्ट लिखते लिखते अपने यहाँ तक पहुंचते हैं, तो वहां तक पहुंचते ही क्या करता है ये ऑटोमेटिक लाइन को बदल लेता है। लेकिन अगर हम वर्ड रैप को अगर नो रैप कर देंगे तो क्या होगा, जैसे हम नो रैप करेंगे तो हमारे जो भी हमारा टेस्ट लिख रहा होगा, दिखाते हैं ये जो भी हमारा टेस्ट लिख रहा होगा, ये टेस्ट लिखते लिखते जैसे ही आगे पहुंचेगा तो ये लाइन नहीं बदलेगा, क्या करेगा पूरे टेक्स्ट को एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, पूरे टेक्स्ट को ये एक ही लाइन में लिखता जाएगा, तब तक जब तक हम इसको या तो इंटर बदल के लाइन ना बदलें या फिर इंटर बदल के ही लाइन बदल सकते हैं, वरना क्या कर सकता है पूरा एक ही लाइन में ये लिखता चला जाएगा, इंटर दबाएंगे तो फिर ये लाइन बदल लेगा। तो ध्यान रहे वर्ड रैप का मतलब ये होता है कि अगर वर्ड रैप अगर नहीं सेलेक्ट है तो वो आपका जो भी पूरा टेक्स्ट है वो पूरा एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा, अगर वर्ड रैप सेलेक्ट है तो आपका लाइन वो यहाँ डिस्प्ले के कॉर्नर के लास्ट में आते आते ऑटोमेटिक वो बदल लेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे आप नो रैप करेंगे तो एक ही लाइन मिलना स्टार्ट करेगा, अगर रैप टू विंडो के पूरे विंडो पर रैप लगाते हैं तो क्या करेगा पूरे विंडो पे काम करेगा, अगर आप रूलर पे रैप लगाते हैं तो क्या करेगा रूलर पे काम करेगा। रूलर पे काम करेंगे मतलब यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं सिर्फ नंबर्स पे रैप काम करेगा, उसके बाद अगर रैप टू विंडोज कर देते हैं इसका मतलब ये होता है विंडोज जितना बड़ा साइज दिखाई दे रहा है आपके विंडो पीसी में वो उस लाइन के हिसाब से अपनी लाइन बदलेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला है मेजर यूनिट। मेजर यूनिट का मतलब क्या होता है, जो आपका रूलर है इसी इसी को मेजर यूनिट कहते हैं, तो आप इसको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में है, अगर आप इंच में करना चाहते हैं तो ये बदल के इंच में हो जाता है, इसके साथ अगर पॉइंट्स में करना चाहते हैं तो यहाँ बदल के पॉइंट्स में हो जाता है, अगर आप इसी को पिकास में बदलना चाहते हैं तो आप इसको बदल सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट में आप जिसको बदलना चाहते हैं अच्छे तरीके से आप बदल सकते हैं। इसके आगे देखते हैं,
अगला है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में न्यू का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, सेव का मतलब क्या होता है, सेव एज का मतलब क्या होता है, और इसके बाद इसके बारे में अगर आपको जो भी जानना है तो हम अलग से फाइल मेन्यू की एक पेंट की वीडियो बना रखे हैं। हम उसका जो है लिंक है आपके ऊपर आई बटन पे दिखाई दे रहा है, आप उस आई बटन पे क्लिक करके आप इस फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शन है इनके बारे में आप जान सकते हैं। तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ऊपर जो लिंक इस समय आई बटन पे शो कर रही है उस पर क्लिक करके आप इस फाइल मेन्यू के बारे में जान लीजिएगा। इसके बाद नोट पैड के पूरे 24 घंटे हो गए हैं पढ़ाए हुए, तो इसके बाद जो देखिए जो नोट पैड का जो हमारा फेयर है, जो नोट पैड का हमारी जो थ्योरी है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और नहीं, अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम पे अगर सर्च करना तो आप इस टेलीग्राम पे डेयरिंग ड्रीम टेक लिख कर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आपको दिखाई देगा, उसको जरूर से ज्वाइन करें। वहां पे आपको हम जो भी चीजें पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड हर एक चीज के बारे में नोट्स देते जाते हैं। तो अगर आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स आप पढ़ पाए, देख लें अच्छे से, इसके लिए क्या करें, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर हमने पेंट का भी नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, ये नोटपैड का नोट्स है वो उसको भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में हम जानेंगे कैलकुलेटर के बारे में, कैलकुलेटर में कैसे कैसे कैलकुलेटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेटर आता है उसको किस तरीके से जानते हैं और समझते हैं, तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम वीडियो को सही दिशा में बना रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत अगर आपको वीडियो में दिखती है तो आप हमारे सजेशन नंबर पर या तो मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को आप लिख दीजिए, हम अगली वीडियो में उस खामी को जरूर सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अगर आपको किसी तरीके का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें, हम हर एक सवाल का जवाब जरूर से देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।